सब्सक्राइब करें मेरे IQ माई चाइल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि गुप्ता, योर पीडियाट्रिशियन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ माई चाइल्ड में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोविड का टाइम चल रहा है, कोरोना पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, सो इसी से रिलेटेड आई नो कि मैक्सिमम लोग इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर कर चुके होंगे। आज हम बात करेंगे कि स्पेसिफिकली कोरोना में हम किन सप्लीमेंट्स को देने की बात करें। अगर आपके आसपास ज्यादा सस्पेक्ट्स हैं, आपकी फैमिली में सस्पेक्ट्स हैं, बच्चे घर पे हैं, समहाउ वो भी सिम्टोमेटिक नहीं है लेकिन पॉजिटिव है, या आपको डाउट है कि हमारे बच्चे को होने के चांसेस हैं, नहीं भी है तो आप कुछ दिन के कोर्सेज ये बच्चों को दे सकते हैं। इसमें कुछ 5 चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, 5 to 6, तो वो आपको ध्यान देना है कि अगर आप नहीं दे रहे हैं तो अपने पीडियाट्रिशियन से रिकमेंड करवा के अपने बच्चों को कुछ दिनों के लिए दे सकते हैं। देखिए, बेसिकली तो आपको अच्छी डाइट पे ही ध्यान देना है, बैलेंस डाइट जो होती है उसी पे ध्यान देना है। अगर आप अपने बच्चे को घर में सब कुछ खाने के लिए दे रहे हैं तो मोस्टली न्यूट्रिशन जो चीजें हैं वो कवर हो जाती हैं। अगर आप जो बैलेंस डाइट होती है हमेशा वही हम बात करते हैं, 7 चीजें हैं जो देनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट देना है, प्रोटीन देना है, मिनरल्स देने हैं, विटामिन्स देने हैं, रफेज देना है एंड वाटर देना है ना। रफेज में फाइबर्स भी कवर हो गए हमारे, तो ये तो हम अपने बच्चों को दे ही रहे हैं। फैट देना है, फैट ऑब्वियसली, ये सारी चीजें हमारे जो नॉर्मल हम खाने की बात करते हैं ना, रोटी सब्जी दाल चावल दही दूध पनीर नॉनवेज वेज जो भी आप खा रहे हैं, उसके अलावा फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इनको अगर आप सारी चीजों को डेली रूटीन में अपने बच्चे को देते हैं, आप भी लेते हैं, तो आपके मोस्टली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कवर हो जाते हैं। फिर भी आपको लगता है समहाउ कि नहीं मेरा बच्चा लैक कर रहा होगा न्यूट्रिशन में, तो दीज आर 5 to 6 थिंग्स जो आपको कवर करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो आ रहा है इम्यूनिटी बूस्टिंग में, ऑब्वियसली हमेशा से सिट्रस चीज होगा, सिट्रस फूड्स का बहुत रोल है, तो सिट्रस चीजें आपको घर में खाने के लिए देनी है बच्चों को। विटामिन सी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है मैंने इस पे भी वीडियो बनाया है, बट अगर आपको लगता है आप नहीं दे पा रहे हैं तो विटामिन सी की मेडिसिन कुछ दिन के लिए आप अपने बच्चे को 10 to 15 डेज के लिए सप्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जैक्टली कौन सी ब्रांड कितना डोज ये आपको अपने डॉक्टर से डायरेक्टली प्रिस्क्राइब कराना होगा। सेकेंड थिंग, मल्टीविटामिन, बड़ा बच्चा है तो टैबलेट, छोटा बच्चा है तो सिरप। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा बच्चा थोड़ा लैक कर रहा है, ये थोड़ा सेंसिटिव है, इम्यूनिटी थोड़ी कम है, तो थोड़े दिनों के लिए बच्चे को आपको मल्टीविटामिन दिलवाना होगा। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अगर बच्चे को विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी की कमी को पूरा करना है। विटामिन डी की कमी को हम कैसे पहचानते हैं इस पर मैंने वीडियो बनाया है। सप्लीमेंट हमें कैसे करना है ये हम डॉक्टर से डायरेक्टली प्रिस्क्राइब करेंगे, तो उसका कोर्स हमें पूरा करना है। जैसे ही विटामिन डी की बात आती है चौथी चीज अपने आप आ जाती है कैल्शियम। विटामिन डी से ही रिलेटेड होता है कैल्शियम, अगर बॉडी में विटामिन डी कम है तो कैल्शियम की भी कमी होने के चांसेस होते हैं, तो उसकी कमी को भी हमें पूरा करना है। अगर आप बच्चा दूध दही पनीर अच्छे से खा रहा है तो ठीक है, लगता है कहीं ना कहीं नहीं लैकना है, तो आप अपने डॉक्टर से कैल्शियम भी प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। ये 4 चीजें होंगी जो हम मेडिसिन के फॉर्म में, अभी बच्चे को कोई और प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हम उसे न्यूट्रिशनली बिल्डअप करना है, उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना है, इसलिए हम ये विटामिन सी, मल्टीविटामिन, विटामिन डी एंड कैल्शियम ये हम बच्चे को दे सकते हैं। फिफ्थ चीज आती है जिंक। जिंक का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल है कोरोना के टाइम पर, ये भी इम्यूनिटी बूस्टअप करता है, आपकी बॉडी को रिफॉर्म करता है और बीमारी से लड़ने की ताकत देता है, तो जिंक की कमी को हम कैसा पूरा करेंगे इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। मोस्टली खाने की हर चीज में जिंक होता है, तो बच्चा रूटीन खाना खा रहा है तो उसे जिंक मिलता रहेगा, बट फिर वही बात है कि नहीं भाई हमें लगता है हमें कुछ और एक्स्ट्रा देना है, तो जिंक सप्लीमेंट हम अपने डॉक्टर से रिकमेंड करा सकते हैं और उसका कोर्स दे सकते हैं। तो ये हो गए 5 चीजें। छठी चीज है भाई, हम बात कर रहे हैं आजकल काढ़े की, है ना, तुलसी की पत्ती, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये सारी चीजें हम रूटीन अपने गरम मसाले में काफी सारी चीजें यूज करते भी हैं, बट अगर आप नहीं इस अलग से दे रहे हैं तो आप अपने बच्चे को ये अलग से बना करके, मतलब अगर आप खाने में नहीं दे रहे हैं या मिस हो जाता है, तो आप ये अलग से जो काढ़ा है आप एग्जैक्टली इसकी रेसिपी जाकर यूट्यूब पे देख सकते हैं, इस काढ़े को थोड़ा थोड़ा 1-2 स्पून अपने बच्चे को दे सकते हैं, तो इस काढ़े को आप फॉलो करिए रूटीन में, बहुत अच्छा रहेगा डेफिनेटली। अगर पूरे नेशनल लेवल पे से प्रमोट किया जा रहा है एंड ओवरऑल हम जानते हैं कि खाने की चीजें हर किसी अच्छी चीज से ही बनी है, तो ये जो काढ़ा है इसमें भी जो फैक्टर्स हैं दीज आर गुड,
अपने बॉडी को हेल्दी रखेंगे, इम्यूनिटी स्ट्रांग करेंगे। और माना जाता है कि जो ये कोरोना वायरस है ये नोज से जो ओपनिंग्स हैं म्यूकोसा है वहां से जाती है, यानी कि नोज गला गला थ्रोट बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो गले की क्लीनिंग बहुत जरूरी है। तो भाई जो ये काढ़ा है गले की सफाई आपका करता रहता है, ओके, इसके मैकेनिज्म को ठीक रखता है ताकि जो थ्रोट है वो इन्फेक्शन ग्रास ना करे, आए भी तो उसे भगा दे। तो काढ़े का उसमें रोल है तो आप काढ़े को फॉलो करिए। पूरे दिन में बच्चे को गागल्स कराने के लिए प्रमोट करिए, है ना, हैंड वॉशिंग, ये सारी चीजें तो बाद में है, गागल्स भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आप कर सकते हैं। अगर बच्चा काढ़ा नहीं ले रहा है तो आप उसको बोलिए बच्चा कभी बाहर से आया है, घर के कोई लोग बाहर से आए हैं, खाना खाने के बाद गुनगुने पानी में नमक डाल के गागल्स की हैबिट बहुत अच्छी रहेगी। तो दीज आर ओनली 5 to 7 पॉइंट्स जो आप कोरोना में अपने बच्चे को करने के लिए बोलना है और उसको जो छोटे बच्चे हैं उन्हें हमें करवाना है। So this is very small and specific video, but definitely it will be helpful for all of you. Yaad rakhiye, vitamin C, multivitamin, vitamin D, calcium, zinc, kadha, gargling, and definitely all the time healthy diet, very healthy diet, जो आपको घर में follow करना है। So आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई query है online consultation की आपको जरूरत है तो I'm always available. सिर्फ आपको इतना सा करना है कि जाना है मेरी वेबसाइट पर ikeamychild.com पे और बुक अपॉइंटमेंट के थ्रू आप मुझसे ऑडियो या वीडियो कॉल से बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें मेरे ikeamychild चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले।